आज हम बनाएंगे एक और रिक्वेस्टेड रेसिपी, चिकन सीख कबाब। इस रेसिपी को आप एंड तक देखिए, क्योंकि इसमें मैंने दिखाया है कि सीख कबाब मसाला घर पे कैसे बनाते हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे और आपको सारे नोटिफिकेशंस और अपडेट्स मिलते रहे। टिप नंबर वन, जहाँ से आप चिकन का कीमा खरीद रहे हैं वहाँ पर बुचर को रिक्वेस्ट कीजिए कि चिकन को अच्छे से वॉश करे और तब मिंस करे, वरना अगर आप घर पे इसे लाकर इसे वॉश करेंगे तो कीमे में बहुत ज़्यादा पानी रह जाएगा। कीमे में हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, पैपरिका पाउडर, आप लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, नमक, नटमेग पाउडर, ज़ीरा पाउडर, काला नमक। ये घर का बनाया हुआ सीख कबाब मसाला है। इसकी रेसिपी भी मैंने एंड में शेयर की है, वो ज़रूर चेक कीजिए। अगर आप चाहें तो स्टोर बॉट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। फ्राइड अनियंस है, इनको हम क्रश करके ऐड करेंगे। अगर आप कच्ची प्याज यूज कर रहे हैं तो उसका पानी जरूर स्क्वीज कर लीजिएगा। हरे मसाले में मेरे पास है धनिया, पुदीना और थोड़ी बारीक कटी हुई मिर्च, इसे भी हम ऐड कर देंगे। मोजरेला चीज है, चीज ऐड करने से कबाब काफी जूसी रहते हैं। आप अंडा भी ऐड कर सकते हैं। चाट मसाला पाउडर, नींबू रस, और इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसमें ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स, जो कि एक बाइंडिंग एजेंट का काम करता है, और कबाब्स आप अच्छे से शेप दे सकते हैं। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मैरिनेशन को हम फ्रिज में रखेंगे 2 से 3 घंटे के लिए। 3 घंटे हो चुके हैं, चिकन कीमा बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसमें देंगे चारकोल का स्मोकी फ्लेवर, जिससे कबाब का जायका और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कबाब को किस तरह से सीख के ऊपर अरेंज करना है। साथ में पानी रखेंगे और थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेते जाएंगे। और इस तरह से सेट करते जाइए। थोड़ी प्रैक्टिस लग सकती है, पर ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इस तरह से पानी की मदद से हम कबाब्स को शेप देते जाएंगे। बस धीरे धीरे अरेंज करते जाइएगा। टिप नंबर टू,
अगर सीख के ऊपर कबाब अच्छे से सेट नहीं हो पा रहे हैं तो आप कुछ घंटों के लिए मिक्सचर को फ्रिज में रख दीजिए, या फिर आपको थोड़ा ब्रेड क्रम्स एडजस्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपका कोई सवाल है या फिर कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। आप यही मसालों को यूज़ करके मटन सीख कबाब भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें कच्चे पपीते का पेस्ट ऐड करना ना भूलिए। जैसा मैंने पहले बताया था कि चिकन के कीमे में ज़रा सा भी पानी नहीं होना चाहिए, वरना आप कबाब्स को अच्छे से शेप नहीं दे पाएंगे, इसीलिए ब्रेड क्रम्स यूज़ करना ज़रूरी है। तो सीख कबाब तैयार है अवन में पकने के लिए। अवन को प्रीहीट कर लेंगे 425 फ़ारेनहाइट पे और इसे पकाएंगे 30-35 मिनट्स के लिए। बीच बीच में फ्लिप करते रहना है या फिर थोड़ा तेल ब्रश करना है जिससे कबाब्स ड्राई ना हो जाए। आप इसी चिकन मिक्सचर के साथ बर्गर के लिए पैटीज भी बना सकते हैं। अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप ग्रिल पैन या तवा यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा तेल ब्रश कर लेंगे। मेरे पास है स्टील के स्कीवर्स। थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेते जाएंगे और इस तरह से सेट करते जाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट टिप, मैंने इस बार हाथों में तेल लगाया है, पानी नहीं। ये देखिए, इस तरह से आप आराम से तवे पे भी सीख कबाब बना सकते हैं। अगर आप बैम्बू के स्कीवर्स यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें 30 मिनट्स के लिए पानी में सोक करना ना भूलें। थोड़ा थोड़ा तेल ब्रश करते जाएंगे ताकि कबाब्स ड्राई ना हो जाए। और हमारे अवन में बनने वाले सीख कबाब भी तैयार है। ये देखिए कितने यमी और डिलीशियस और जूसी लग रहे हैं चिकन सीख कबाब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और अब मैं आपको बताती हूँ कबाब मसाला कैसे बनाते हैं। पैन में ऐड करेंगे साबित धनिया, सूखी लाल मिर्च, काली मिर्च के दाने, शाजीरा, पीपली यानी कि लॉन्ग पेपर, कबाब चीनी यानी कि ऑल स्पाइस, ज़ीरा, और इन सारे मसालों को धीमी आंच पे भून लेंगे। और इनको ग्राइंड करके रख लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। दैट्स इट, आई विल सी यू सून, बाय।